दोस्तों आज की वीडियो स्पेशल मैंने ऐसे दोस्तों के लिए बनाई है जो दोस्त टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करते हुए पहली बार अपने हाथों से GSTR 1 और GSTR 3 भी को तैयार कर रहे हैं या फिर अभी तैयार करना सीख रहे हैं या फिर वो टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज आपको मैं 100% प्रैक्टिकली तरीके से बताने वाला हूं भी जब भी आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से GSTR 1 और GSTR 3 को तैयार कर रहे हो तो आपको रिटर्न तैयार करते वक्त किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है और रिटर्न को ऑनलाइन अपलोड करने से पहले अपने टेली के डाटा को हम किस तरीके से चेक करेंगे भी हमारी जो रिटर्न तैयार हुई है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, उसमें किसी भी टाइप की कोई एरर तो नहीं है और उसे हम एक्सेल में किस तरीके से एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ आज हम बिजनेस के ओरिजिनल डाटा के साथ 100% प्रैक्टिकली रूप से सीखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनसुतार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना और दोस्तों वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की टेली बिजी फैक्टेक्स मार्क और अकाउंटिंग टैक्सेशन से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों इस टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमने कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है और उस कंपनी में कुछ वाउचर भी हमने पोस्ट किए हुए हैं, उसमें परचेज वाउचर भी है, सेल वाउचर भी है, पेमेंट वाउचर भी है, रिसिप्ट वाउचर भी है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, यानी कि हर तरीके की एक जो बिजनेस में अकाउंटिंग मेंटेन करते वक्त जो वाउचर यूज होते हैं वो सारे वाउचर यूज किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक बार उन वाउचर्स को देख लेते हैं GSTR 1 को और GSTR 3 को तैयार करने से पहले। तो हमें डाटा देखने के लिए सबसे पहले हम टेली के होम पेज पे यानी कि गेटवे ऑफ टेली पे जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर और उसके बाद डे बुक पर और हम एक बार F2 करके सारा पीरियड हम चेंज करेंगे और उसके बाद आप देख रहे हो सारा डाटा हम रिसिप्ट भी है इसमें, सेल, परचेज, पेमेंट रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, हर तरीके की वाउचर हमने मेंटेन किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जब भी GSTR 1 को हम अपडेट करेंगे यानी कि जब भी हम किसी GSTR 1 को अपडेट करके रिटर्न तैयार करके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में या टैक्स प्रोफेशनल के ऑफिस में हम भेजने की तैयारी करेंगे तो उससे पहले हम किस तरीके से डाटा को एक बार वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे एक बार GSTR 1 की रिपोर्ट पे। तो इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टेली पे आकर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर और उसके बाद हम जाएंगे ट्रेजरी रिपोर्ट पर और उसके बाद GST रिपोर्ट पर। हम GST रिपोर्ट पर इंटरप्रेस करेंगे तो आपको 3 रिटर्न यहाँ पर मिलेगी, GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3। तो हमें जो तैयार करनी होती है वो GSTR 1 और GSTR 3 तैयार करनी होती है, GSTR 2 हमारी ऑटो पॉपुलेटेड होती है। तो हम करेंगे GSTR 1 पे एंटरप्रेस और एक बार जिस मंथ की हम रिटर्न तैयार कर रहे हैं वो मंथ हम पीरियड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो हमने यहाँ पर 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक का पीरियड हमने लिया है यानी कि 1 मंथ का रिकॉर्ड हमने लिया है और इसमें सारा रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया हुआ है। इसमें B2B का भी रिकॉर्ड है, B2C का भी रिकॉर्ड है और HSN समरी भी है और डॉक्यूमेंट की समरी भी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें मिलान करने वाली जो बात है वो यही है भी हमारी जो GSTR 1 के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही है यानी कि जितनी सेल हमारी आ रही है वो सेल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतनी सेल शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर जो टैक्सेबल सेल जो आ रही है वो 4,25,944 रुपये और 29 पैसे की आ रही है। तो इसे हम दो जगह वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके। तो इसके लिए वापस गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद Alt+F1 डिटेल आप देख लो, चाहे आप इसके सेल ऑप्शन पर आ जाओ। आप सेल ऑप्शन पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें 4,25,944 रुपये और 29 पैसे की सेल शो हो रही है। तो दोस्तों अगर आपकी यहाँ पर सेल कुछ अलग आ रही है और GSTR 1 में आपकी सेल कुछ अलग आ रही है तो आपको एक बार डाटा को वेरीफाई जरूर करना है, चेक जरूर करना है भी कहाँ मिस्टेक होगी है क्योंकि एक हल्की सी भी गलती आपके सारे डाटा को मिसमैच कर देगी। तो इसलिए हमें जब भी हम लेजर क्रिएट करें जो लेजर GST के अंडर में आते हैं उन्हें GST एप्लीकेबल करेंगे, जो लेजर GST के दायरे में नहीं आते जो लेजर तो उसे हम GST जो एप्लीकेबल ऑप्शन होता है उसे हम नोट एप्लीकेबल करेंगे। तो एक डाटा हमारा वेरीफाई तो यहां से हो चुका है और जो सेकेंड डाटा हमें वेरीफाई जो करना है वो हम जब वापस GSTR 1 पर जाएंगे और हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में HSN समरी आप देख रहे हो यहां पर
एचएसएन एसएससी समरी जो ऑप्शन आ रहे हैं, इस समरी पर हम जाएंगे और इसी समरी में भी हम देखेंगे भी हमारी इसके अंदर भी टैक्सेबल जो वैल्यू वो 4,25,944 रुपये 29 पैसे ही आ रही है। तो हमें हर तरीके से इसको क्रॉस वेरीफाई करना है भी हर तरीके से जो हमारी सेल है वो हर जगह बराबर मैच हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि एक एरर आपकी जो अगर होएगी उसमें तो आपकी जो सेल है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग शो करेगी और GSTR1 में जो आपका जो डाटा है वो वहाँ पर अलग शो होगा और HSN कोड में अलग तरीके से शो करेगा। तो अब तीन जगह हमने इस डाटा को वेरीफाई किया है, हम सबसे पहले इसके GSTR1 के होम पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और HSN समरी में, तो तीनों में हमारी जो सेल है बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। तो इससे बात का हमारा ये पता चलता है कि हमारी सेल बिल्कुल सही है। सेकंड आपको इस बात का पता करना है भी एक ऑप्शन यहाँ पर होता है टेली सॉफ्टवेयर में भी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, और यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में आपके ट्रांजेक्शन जीरो होनी चाहिए, यानी कि जीरो यहाँ पर आ रही है तो इसका मतलब आपके इस रिटर्न में किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है। और एक ऑप्शन आपको यहां से भी वेरीफाई करना है भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन HSN से एक समरी करेक्शन नीडेड, यहां पर भी जीरो आ रहा है तो इसका मतलब कोई भी एरर इस रिटर्न में नहीं है। तो दोस्तों इस रिटर्न में हम करेंगे इसको एक्सेल की यूटिलिटी में एक्सपोर्ट, जिसे कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में या फिर ऑनलाइन जो हमें अपलोड करना होता है वो फाइल किस तरीके से तैयार करी जाती है। क्योंकि दोस्तों टेली सॉफ्टवेयर में तो रिटर्न हम एक तरीके से डाटा पोस्ट करके रिटर्न को तैयार कर सकते हैं और उसके बाद में हमें एक्सेल यूटिलिटी में जाके कुछ करेक्शन हमें करनी होती है। हमें इसे टेली सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं रहना भी इसने जो रिटर्न तैयार करी वो बिल्कुल सही तैयार करी या नहीं तैयार करी। वो कैसे पता चलेगा, आप जब भी इस डॉक्यूमेंट समरी में हम आएंगे तो आप देख रहे हो इसके अंदर टोटल इस मंथ में हमारे पास टोटल 19 इनवॉइस है, यानी कि STC 01 से लेके STC 09 तक, और उसके बाद में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी आ रहा है। हालांकि ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमने इश्यू ही नहीं किए फिर भी ये डॉक्यूमेंट समरी में हमें शो कर रहा है, और हम चाहते हैं भी ये जो डॉक्यूमेंट समरी ऑप्शन जो आ रहा है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का, ये हमारी रिटर्न में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसको टेली तो दिखा रहे हैं लेकिन हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, और हम इसको हटाएंगे यहाँ से हमारे एक्सेल की यूटिलिटी में जाके। तो दोस्तों हमें एक्सेल की यूटिलिटी में इसको किस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम GSTR1 पे हम रहेंगे और उसके बाद हम करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा इसके अंदर ई रिटर्न का। हम इस ई रिटर्न पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपसे ये पूछेगा फाइल फॉर्मेट कौन से फाइल में आप इसे सेव करना चाहते हो, या आप JSON फाइल में सेव करोगे या CSV में करोगे या एक्सेल में। तो मैं एक बार इसे एक्सेल के स्प्रेडशीट में सेव कर रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ पर इसकी जो लोकेशन भी आपका जो जो एक्सेल फाइल है वो कहाँ पर सेव होने वाली है, सी प्रोग्राम फाइल्स और टेली प्राइम में, और यहाँ पर इस फाइल का नाम रहेगा भी GSTR 1 अप्रैल से लेके जून वाली जो अप्रैल मंथ की जो रिटर्न है वो सेव होगी, और उसके बाद में एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी ही आपका यस रहना जरूरी है, और आल वाउचर करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, इसको डायरेक्टली हम करेंगे यहाँ से सेंड। तो जैसे हम सेंड करेंगे तो ये हमारा एक्सेल में डाटा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जैसे ये एक्सेल में डाटा हमारा एक्सपोर्ट होएगा ये हमारे सामने इसकी फाइल ओपन होके आ जाएगी। तो इसमें जो सब रिकॉर्ड हमारे पास है जैसे आप देख रहे हो, सबसे पहले इसके नीचे यहाँ पर अलग अलग टाइप की सीट है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, B2B है, B2C, BSM, B2CSP है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, हर तरीके के वाउचर आपने जो भी पोस्ट किए हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे B2B में, तो B2B में आप देख रहे हो एक्सेल ने इसकी ऑटोमेटिक ही इस यूटिलिटी में डाटा सारा सेव कर दिया, और उसके बाद में B2CL कुछ भी नहीं है, B2CS के अंदर जो हमारे ट्रांजेक्शन है अनरजिस्टर्ड पर्सन को उसका सारा रिकॉर्ड आ गया, और उसके बाद में सारी HSN वाइज समरी आ गई, और उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों हमें चाहिए भी हमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ये जो वाउचर है ये हमने इशू किए नहीं है, ये हमें हमारे सप्लायर्स के द्वारा हमें मिले थे और उसकी एंट्री हमने करी है, तो टेली सॉफ्टवेयर इसको ये समझ रहा है भी ये जो वाउचर है ये आपने इशू किए हैं, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे परचेज से रिलेटेड है तो इसलिए हम इनको यहाँ से हटा देते हैं। तो दोस्तों ये किस प्रकार पता चला भी ये हमारा जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है हमारी तरफ से इशू नहीं किए गए, क्योंकि ये हमारी एक रियल बिजनेस की अकाउंटिंग है तो इसका मुझे तो पता है भी ये हमारे ये जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है ये हमारे द्वारा इशू किए गए नहीं है इसीलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। लेकिन जब भी आप अगर इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हो तो आपको इसी बात को वेरीफाई जरूर करना है भी ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कहीं आपकी कंपनी के द्वारा तो इशू नहीं किया गया, अगर आपकी कंपनी के द्वारा इशू किया गया तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर जरूर मेंटेन करना पड़ेगा आपको।
इसलिए मेरा ये रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इस फाइल को वापस कर देता हूँ मैं सेव। और अब उसके बाद में इस फाइल का जो रिकॉर्ड हमारे पास कहाँ मेंटेन हुआ है, वो हमारी जो लोकेशन हमने दी थी यहाँ पे इसी लोकेशन पर, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्राम फाइल और टेली प्राइम के फोल्डर में यहाँ पे आके सेव होगी। तो ये GSTR1 का ये आपके सामने इस तरीके के ऑटोमेटिक एक एक्सेल फाइल है जो जनरेट हो जाएगी, और यही एक्सेल फाइल हमें ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ती है। और ये इसे हम ऑनलाइन अपलोड किस तरीके से करते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा, और आज की स्टेट में हम केवल इसको एक्सपोर्ट करना यानी कि रिटर्न को तैयार करना ही सीख रहे हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा GSTR1 का मैटर। तो दोस्तों GSTR1 के बाद हम तैयार करना सीखेंगे GSTR3B को। तो 3B को हम किस तरीके से तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमें वापस हमारे GST के रिपोर्ट पे आने के बाद हम जाएंगे GSTR3B के ऑप्शन पर और हम इंटर प्रेस करेंगे। तो एक बार हमें यहाँ से वापस हमारा वो चेंज पीरियड करना पड़ेगा जिस मंथ के हम GSTR3B को तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं GSTR1 के साथ साथ एक बार हमें हमारे GSTR3B के जो टोटल टैक्सेबल सेल और टैक्स फ्री की जो सेल है उन दोनों का टोटल भी हमारा टोटल GSTR1 की सेल के साथ मैच करना जरूरी है। तो अब यहाँ पर भी 4,25,944 रुपये और 29 पैसे की सेल GSTR1 के रिकॉर्ड के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। तो दोस्तों हम इसे भी हम एक्सेल की यूटिलिटी में एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले Alt-E यानी कि हम एक्सपोर्ट ऑप्शन पर जाएंगे और उसके बाद में ई रिटर्न पर। तो जैसे हम ई रिटर्न पे बटन प्रेस करेंगे तो दोस्तों अब GSTR1 के बाद हम सीखेंगे GSTR3B को एक्सेल की यूटिलिटी में किस प्रकार सेव करते हैं। तो इसके लिए हमें सेम वही ऑप्शन GST की रिपोर्ट पे आने के बाद हम GSTR3B के ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद हम वो मंथ देंगे जिस मंथ की हम रिटर्न को तैयार कर रहे हैं। तो मैं यहां से पीरियड को मेरा सिलेक्ट कर दिया। और दोस्तों एक बार हमें GSTR3B में जो हमारी टोटल सेल आ रही है टैक्सेबल और विद एग्जाम्प्ट यानी कि टैक्स फ्री और टैक्सेबल सेल, वो भी हमारे GSTR1 की जो टोटल सेल हमने पोस्ट करी थी उसके साथ हमारा डाटा मैच करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों होता अक्सर यही है क्योंकि हम जब GSTR1 को हम पहले फाइल कर देते हैं और GSTR3B को हम बाद में फाइल करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कई बार हम जैसे GSTR1 हमने रिटर्न अपलोड कर दिया और उसके बाद में हम कुछ डाटा में कुछ चेंजिंग कर दिया, या तो कुछ सेल बिल हमने पिछले मंथ के अंदर ऐड कर दिया हो या कुछ बिल हमारे से डिलीट हो गया हो, या जब हमने कोई बिल को मॉडिफाई किया हो तो उसके अंदर अमाउंट में कुछ किसी भी प्रकार की चेंजिंग हो गई हो, तो यहाँ पर आपको इफेक्ट आ जाएगा GSTR1 की सेल में और GSTR3B की सेल में। तो हमें एक बार इसको भी वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए भी हमारी जो GSTR1 में जो सेल गई है वही हमारी सेल GSTR3B में आ रही है या नहीं आ रही है। तो अभी तक हमारा डाटा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो अब इसे हम एक्सेल की यूटिलिटी में किस प्रकार से एक्सपोर्ट करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें Alt-E यानी कि टेली के इस ऑप्शन पर हम एंटर प्रेस करेंगे या क्लिक कर लेंगे एक्सपोर्ट पे, और उसके बाद पहला ऑप्शन ई रिटर्न का, और हम ई रिटर्न जैसे ही अपलोड करेंगे तो हमें दो फॉर्मेट के लिए यहां से पूछेगा, अभी आप इस फाइल को एक्सेल की यूटिलिटी में सेव करना है या JSON की फाइल में सेव करना है। तो हम एक बार इसे एक्सेल की यूटिलिटी में सेव करें, बाद में इसे हम JSON में कन्वर्ट करेंगे। तो हम एक्सेल पे हम एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में सेम वही हमारा फोल्डर पाथ यहाँ पे जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड सेव होएगा, और उसके बाद में ये GSTR3B एक्सेल की यूटिलिटी और एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों देखो हम जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो एक एरर हमारे पास आया है। ये एरर बोल रहा है विद दी GSTR1 3B एक्सेल यूटिलिटी गिवन बाय द डिपार्टमेंट डज नॉट एग्जिस्ट कॉपी दी एक्सेल यूटिलिटी टू दी एक्सपोर्ट लोकेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट का GSTR3B का एक्चुअल फॉर्मूला है वो इस लोकेशन पर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये इसको एक्सपोर्ट करते वक्त प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हमें GST की ऑफिशियल वेबसाइट से GSTR3B की एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड हमें करना पड़ता है। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हमें हमारी GST की जो ऑफिशियल वेबसाइट है GST.gov.in, जैसे हम उस पर जाएंगे तो हमें एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको मैं बता देता हूं, हम GST की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए और उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर डाउनलोड का, और डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑफलाइन टूल्स का, और इसी ऑफलाइन टूल में आपको यहाँ पर GSTR3B ऑफलाइन यूटिलिटी
हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहां पर जीएसटी थ्री बी ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने का एक बटन मिलता है। हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इस तरीके की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जीएसटी थ्री बी एक्सेल यूटिलिटी। तो मैं ऐसे डाउनलोड नहीं करा क्योंकि मैंने यहां पर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसे मैं करता हूं यहां पे एक्सट्रैक्ट हेयर, और जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर करूंगा तो इसमें से एक एक्सेल की इस तरीके की एक फाइल है जो निकल के आएगी, जीएसटी थ्री बी एक्सेल यूटिलिटी V4.6 के नाम से, और वही हमें चाहिए क्योंकि इसी का एरर टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर की तरफ से आ रहा था, लेकिन अब ये एरर नहीं आएगा। तो हम दोबारा इसको एक बार एक्सपोर्ट करेंगे, ई रिटर्न पर जाएंगे, एक्सेल पे जाएंगे और उसके बाद में फाइल नेम पे। तो अब देख रहे हो आप किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है क्योंकि ये जो फाइल इसको चाहिए थी वो फाइल इस टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को मिल गई है। और अब हम यहां से करेंगे सेंड। जैसे हम सेंड पे करेंगे तो जो हमारा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो जीएसटी थ्री भी हमें शो हो रहा था वो सारा का सारा इस गवर्नमेंट के टेबलेट में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहां पे जीएसटी थ्री भी का, और जो टोटल हमारी जो सेल थी टैक्सेबल और ये नील रेटेड यानी कि एग्जम्प्टेड जो सेल थी उन सभी का टोटल यहां पर आ चुका है। ये हमारी टैक्सेबल सेल थी और इसमें ये हमारी एग्जम्प्ट सेल थी, और इस तरीके से इसका जो टोटल हमारा आउटपुट एज आईजीएसटी टैक्स, सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स जो बन रहा है वो भी यहां पर आ जाएगा। और इसमें जितना भी हमें आईटीसी मिला है हमारी परचेज इनवॉइस के अकॉर्डिंग उसका रिकॉर्ड भी हमें यहां पर शो होगा। यानी कि ये एज ए गवर्नमेंट का टेम्पलेट है तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने टेली में से इसको उठा के डायरेक्टली जो गवर्नमेंट का टेम्पलेट है उसमें एक्सपोर्ट कर दिया डाटा। तो अब हमें एक ऑप्शन यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर सीट स्टेटस वैलिडेशन फेल्ड। अब वैलिडेशन फेल्ड होने का रीजन क्या है तो हम इस ऑप्शन पर करेंगे वैलिडेट पर क्लिक। तो जैसे हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे तो आप देख रहे हो यहां पे ऑप्शन आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी कि अब ये जो फाइल है बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुकी है। और अब हमें इस फाइल को इसी एक्सेल यूटिलिटी से हमें जेएसओन फाइल को तैयार करना है। तो हम जैसे आपके पास एक बटन यहां पर मिलेगा इस एक्सेल में जनरेट फाइल का, हम इस जनरेट फाइल पर हम क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जेएसओन फाइल हैज बीन जनरेटेड, और आपको इस ऑप्शन पर जाके ये जो जेएसओन की जो फाइल है वो हमें मिलेगी। और हम इसे करेंगे ऑप्शन को ओके, यानी कि सी यूजर मोन डेस्कटॉप जीएसटीआर जीएसटी थ्री बी जेएसओन अप्रैल मंथ की रिटर्न में तैयार मिलेगी, यानी कि डेस्कटॉप पे डाटा सारा सेव हो रहा है। तो हम इसे करेंगे ओके, और उसके बाद इसको मिनिमाइज करेंगे, इसको भी हम मिनिमाइज करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर जो नया लेजर है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया जीएसटीआर का, इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे जीएसटी रिटर्न अप्रैल, और इस प्रकार की वो जीएसओन फाइल है वो जनरेट हो जाएगी। तो दोस्तों अब इस तरीके से हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली एक्सेल की यूटिलिटी में थ्री बी को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को हम जीएसटीआर पोर्टल पर अपलोड किस तरीके से करते हैं उसका प्रैक्टिकल तरीका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों तब तक आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।